स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम करेंगे वोल्टास एसी की अनबॉक्सिंग और फिटिंग। ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं। देखिए वोल्टास की एसी इस तरह का है, यहाँ पे उसके यहाँ पे बेस लगा होता है और यहाँ पे ये देखिए उसका पाइप है, कॉपर पाइप है ये, जिसमें कि आपका आउटडोर से आपके यहाँ पे गैस जो है वो आएगा, वो कूलिंग करने के लिए गैस जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा कूलिंग गैस। और ये देखिए बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। ये अब उसका पाइप है जहाँ से इसका जो ड्रेन पाइप होता है, पाइप पानी निकलता है उसका, ये वहाँ से निकलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे है, बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटा बना दिए हैं आजकल। ये 1.5 टन का एक एसी है जो कि वोल्टास की तरफ से आता है। वोल्टास जो है वो टाटा के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 3 स्टार वाला एसी है मेरे पास, यहाँ पे 3.1 इसका ये, और यहाँ पे देखिए इस वोल्टास लिखा हुआ है ब्रांडिंग। ये है उसका आउटडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट का भी अनबॉक्सिंग करेंगे और बैक साइड में उसे लगाएंगे, ठीक है। क्या है कि हम इस कमरे के बाहर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक CBU कोड होता है, देख रहे हैं आप CBU कोड। ये जो कोड होता है ना, ये 6 डिजिट का, जो 6 या 7 डिजिट का रहता है, ये आपका इंडोर आउटडोर में दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं तो वोल्टास का क्या है वो कनेक्ट नहीं होता है और चलेगा ही नहीं, ठीक है। और इसे लगाने के बाद भी एक्टिवेट करना होता है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसमें आपका एक कोड जाएगा OTP टाइप का, वो कोड डालने के बाद ही आपका एक्टिवेट होगा। तो ये CBU कोड मैच करके आप ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे देखिए होल किया जा रहा है एकदम, वाटर मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, वाटर एकदम रख के किया जा रहा है, जिसमें कि वाटर लेवलिंग करके, जिससे कि आपका एकदम सीधा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका देखिए हैंगर है, ये पहले यहाँ पे उसके यहाँ ड्रिल करके बीट से लगा देते हैं और फिर ये देखिए इसे वाटर लेवलिंग किया जाता है, ठीक है। इस तरह का एक डिवाइस होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आपको पता चले कि एकदम सीधा लग रहा है। इस तरह का एक यहाँ पे रिमोट आता है उसका, तो यहाँ पे बैटरी फिलहाल लगी नहीं है, मैं बैटरी लगाऊंगा, लेकिन रिमोट काफ़ी अच्छा लगा मुझे सब कुछ। यहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है इसका और काफ़ी सारे मोड्स जो हैं उसके लिए अलग अलग बटन दे दिए गए हैं। ये देखिए फिट किया जा रहा है हमारा बेस, इसके ऊपर हैंग किया जाएगा, लटकाया जाएगा हमारा इंडोर एसी। इस तरह का एक एसी स्टैंड मिलेगा आपको, ठीक है, वोल्टास की तरफ से ही मिल जाता है आपको। तो ये आउटडोर यूनिट के लिए लगेगा, बाहर आपके वॉल में इसे फिट किया जाएगा। और आउटडोर यूनिट के अंदर ही इस तरह के पाइप मिल जाते हैं आपको, ठीक है, काफ़ी लंबा पाइप है ये, और इसमें आपको कनेक्ट किया जाएगा और फिर यहाँ से आपका गैस जो है वो इन आउट रहेगा, ठीक है, मतलब इन होगा और फिर कूलिंग करेगा आपका। तो इसे अभी निकालते हैं और देखिए इस तरह की रैपिंग होती है उसकी, सिल्वर रैपिंग, और काफ़ी लंबा है ये देखिए काफ़ी लंबा है, और दोनों साइड में यहाँ पे उसके नॉब्स लगे होते हैं, जिससे कि आप इसे एकदम फिट कर पाएंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप लगा पाएंगे। इधर भी एक ठो लगा हुआ है, तो मतलब दो पाइप्स में डबल डबल नॉब्स लगे होते हैं, ठीक है, बोल्ट्स के लगे होते हैं, आराम से इसे आप फिट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये है आउटडोर यूनिट वोल्टास की तरफ से, ये एक इनबिल्ट इन्वर्टर एसी है, ठीक है, जो आपकी कंजप्शन थोड़ा कम करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे ये देखिए गैस निकल रहा है, साउंड आप सुन पा रहे होंगे, जब भी आप ओपन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा गैस होता है वो निकल जाता है, ठीक है, इंडोर यूनिट में, क्योंकि कंपनी यहाँ पे टेस्ट करते वक्त वो गैस डालती है। यहाँ पे देखिए लेवलिंग किया जा रहा है किस तरह से, ठीक है, और इस तरह के बोल्ट्स आपको मिल जाएंगे, इसे आपको आउटडोर यूनिट यानी बाहर की तरफ इस तरह के हैंगर में आपको लगाना होता है। तो इसे अभी फिट किया जाएगा, तो इसे आप आराम से फिट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए फिट भी कर दिया गया है, कनेक्शन भी लगा दिया गया है। अभी यहाँ पे देखिए मेरा आउटडोर यूनिट चल रहा है, और अंदर यहाँ पे देखिए ये पाइप यहाँ से होते हुए बाहर की तरफ ये ऐसे जा रहा है, लंबा पाइप है पूरा एकदम बढ़िया। और देखिए पानी भी गिरने लगा है, दिख रहे हैं नीचे यहाँ से, ये देखिए ऊपर के जो ड्रेन पाइप है वहाँ से ये पानी निकल रहा है, और काफ़ी अच्छा कूल भी कर रहा होगा अंदर। चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कितना ठंडा कर रहा है। वाह, सच में बहुत ही अच्छा कूलिंग कर रहा है, 16 में रखा हुआ है मैंने, और काफ़ी अच्छा कूल कर रहा है ये। 1.5 टन का एसी है मेरा, ठीक है, वोल्टास की तरफ से, ये देखिए काफ़ी बढ़िया कूल कर रहा है। V17 18 18 19 में आप रखिए, बढ़िया आपका कूलिंग कर देगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कमरा है नहीं हमारा, फिर भी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इसी तरह से आप फिट कर सकते हैं आपका वोल्टास एसी। तो वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.